तो भाई लोगों आपको नेक्स्ट वीडियो हम भाई इस गाड़ी की रेस दिखाने वाले हैं, वरना से रेस होगी भाई। कमेंट करना जरा भाई, क्रूज के HID लगवा रखे, मतलब 2-2.5 लाख रुपए में भाई पूरी गाड़ी आप देख। अपना सनरूफ भाई खोल दिया अपना, उसके भी भाई देख रहे हैं क्या क्या पिकअप ले रही है गाड़ी। ये चेंज करवा रखी है भाई लाइट, ये तो यार काफी नीचे है, मतलब ये मेरे यही पड़ रहे हैं। वरना से रेस लगाई आपने, तो भाई ने सेकंड हैंड ली थी, तो भाई जिसकी वजह से गाड़ी इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो है। तो भाई अभी तो इसकी डेट एक्सपायर हो गई होगी, कि भाई जैसा देख सकते हो भाई पूरी गाड़ी भाई स्पोर्टी लुक बना रखी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ चौधरी व्लॉग्स पर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो भाई, आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको भाई डीजल रॉकेट, जो भाई इंडिया में डीजल रॉकेट बोला जाता है भाई, ब्लैक कलर की क्रूज। तो भाई पहली बार अपने चैनल पे भाई ब्लैक कलर की क्रूज आ रही है। बाकी भाई देख सकते हो भाई गाड़ी के अंदर भाई स्पोर्टी लुक काफी ज्यादा कर रखा है, एलो व्हील वगैरह सिस्टम वगैरह भाई काफी सारी चीजें गाड़ी के अंदर लगवा रखी है। तो भाई ज्यादा देरी नहीं करते, मिलवाते गाड़ी के ओनर सर, करते वीडियो आज शुरू, लेट्स गो। आज की वीडियो हमारे साथ रहने वाले हैं अमन शर्मा भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, हम भी बढ़िया। तो भाई आज करने वाले भाई पूरी गाड़ी का रिव्यू। सबसे पहले ना हम अपनी वीडियो में शुरू करते हैं भाई एलो व्हील से। तो भाई एलो व्हील बताओ भाई कितने इंची के लगवा रखे, क्या सीन है? 17 इंची एलो ही है, योकोमा के टायर है। तो भाई योकोमा के भाई ने टायर लगवा रखे 17 इंच के एलो व्हील। जैसे एलो व्हील के प्रोफाइल देखो तो 205/60R16, तो भाई 16 इंच के भाई ने एलो व्हील लगवाए हैं। बाकी स्टॉक कितने आते हैं भाई गाड़ी के अंदर? भैया 100 आते हैं 15 के समथिंग। तो भाई 15-16 के आसपास भाई बता रहे हैं जो क्रूज के अंदर अपना आते हैं भाई एलो व्हील्स। बाकी भाई ने 17 इंच पे यहाँ पे एलो व्हील लगवा रखे। बाकी क्वालिटी बढ़िया लग रही है एलो व्हील्स की। तो भाई ये बताओ एलो व्हील का भाई चार्ज क्या लग गया था भाई? तो भाई 65,000 रुपए में एलो व्हील टायर आपको भाई ये वाले मिल गए हैं। बाकी भाई कहाँ से लगवाए हैं आपने ये? तो भाई करोल बाग से भाई ने एलो व्हील लगवा रखे। बाकी भाई जैसा देख सकते हो भाई पूरी गाड़ी भाई स्पोर्टी लुक बना रखी है। तो भाई सबसे पहले बताओ गाड़ी का मॉडल कौन सा है? भाई 2012। तो भाई 2012 मॉडल है गाड़ी अपनी डीजल में। तो भाई अभी तो इसकी डेट एक्सपायर हो गई होगी। तो भाई डेट एक्सपायर है अपनी 2012 मॉडल गाड़ी की, लेकिन भाई प्यार है भाई को गाड़ी से। तो भाई आपने फर्स्ट हैंड ली थी, सेकंड हैंड थी भाई ये? भाई सेकंड हैंड। अच्छा, तो भाई ने सेकंड हैंड ली थी। तो भाई क्रूज कैसे, क्रूज ही क्यों ली भाई? भाई क्रूज है, साथ ही क्रूज है मेरी। अच्छा मतलब क्रूज ही चला रहे हो सारी? भाई सो के क्रूज का, घर वाले बोलते हैं वरना ब्रीजा ले लेना। अच्छा अच्छा, बस सो के क्रूज। तो भाई क्रूज का ही बता रहे हैं, भाई को ज्यादातर क्रूज का ही शौक है भाई, वरना ब्रीजा भाई को नहीं पसंद है। तो मतलब भाई अगर कभी वरना से रेस लगाई है आपने? तो कौन सी जीती है भाई? भाई क्रूज ही जीतेगी भाई। अपना नेक्सॉन थोड़ी टक्कर देगी, इलेक्ट्रिक है ना? अच्छा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का ना भाई RPM ज्यादा होता है, तो स्टार्टिंग में निकल जाती है। अच्छा वो भी पिछाड़ देती। तो भाई अपना गाड़ी जो है भाई डीजल में होने वाली है, 2012 मॉडल जैसा कि भाई भाई बता रहे हैं। बाकी भाई देख सकते हो भाई पूरी गाड़ी स्पोर्टी लुक बना रखी है गाड़ी के अंदर। भाई एक बार ना फ्रंट पे चलते हैं, फ्रंट पे बैक पे आएंगे भाई, स्पोर्ट का बताएंगे स्पॉइलर का, पहले फ्रंट चलते हैं भाई। एक बार फ्रंट पे देख सकते हो भाई, जैसा भाई फ्रंट का कुछ लुक गाड़ी का ऐसा भाई, फ्रंट पे ज्यादातर काम सारे स्टॉक करवा रखा है। बाकी इधर जो भाई ने लगवा रखी है भाई, इसमें LED है भाई, HID लगवा रखी है। तो भाई इधर जो भाई ने लगवा रखी है HID लगवा रखी है भाई, कैसा थ्रो आ रहा है इनका? मतलब रात में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया सब? चलो तो भाई भाई जैसा कि बता रहे हैं भाई थ्रो काफी बढ़िया है गाड़ी का, अपना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई देख सकते हो अपना UP 16633, तो भाई नंबर VIP नंबर है भाई, नंबर भी बढ़िया लग रहा है भाई, देख सकते हो भाई 6333 भाई नंबर भी कैडा लग रहा है गाड़ी का। बाकी भाई देख सकते हो भाई एक बात बताओ, जैसे भाई इसकी डेट एक्सपायर हो गई है, तो भाई गाड़ी को रोड पे चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई मतलब लोकल में जा रहे हो ना? अच्छा RC वैली 2028 है, तो भाई हाँ हाँ
भाई समझ रहा हूँ। तो भाई आरसी अपनी ये है, देख सकते हो भाई, एक बार बैक पे चलते हैं एक बार। बाकी भाई अपना जो देख सकते हो भाई, इधर सनरूफ वाला मॉडल है, जेड ब्लैक गाड़ी हो रही, तो भाई सनरूफ का इतना पता नहीं लग रहा। बाकी इधर खोल देंगे तो थोड़ी दिखने लग जाएगी। तो भाई जैसा कि भाई देख रहे हो बैक पे कुछ भाई, तो ये बताओ नीचे मफलर भाई लगवा रखा है अलग से, इतना चौड़ा आता ही है। तो भाई नीचे अपना भाई गाड़ी के अंदर पीछे लगवा रखा है भाई ने मफलर। बाकी भाई टेल लैंप वगैरह चेंज है या फिर ऐसी आती हैं? अच्छा भाई ये चेंज करवा रखी है भाई लाइट्स। हां जी भाई ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। तो भाई ये सारी चीजें मतलब भाई ने इधर इसमें क्या है, लैमिनेशन क्या रैपिंग? तो भाई इधर अच्छा 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 अच्छा। तो भाई भाई ने पूरा अपना पीछे से डिग्गी जो है ब्लैक करवा रखी है, जैसा देख सकते हो इधर अपना कैमरा आ जाता है। बाकी भाई इनका क्या कॉस्ट पड़ गया था चेंज कराने का? इनका कॉस्ट पड़ा था 12,000। तो भाई 12,000 रुपए के आसपास की भाई अपनी लाइट्स जो है भाई ने चेंज करा ली। बाकी भाई देख सकते हो भाई गाड़ी का लुक, भाई इधर से देखो एक बार भाई कितना प्यारा लुक लग रहा है। बाकी भाई अब बात करते हैं जो इस गाड़ी की सबसे मेन हेडिंग है, तो भाई जिसकी वजह से गाड़ी इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, वो है भाई गाड़ी का स्पॉइलर। तो भाई स्पॉइलर का क्या चार्ज लगेगा वैसे सबसे पहले बताऊँ भाई, स्पॉइलर है स्पोर्ट्स वाले स्पॉइलर है ना भाई? तो भाई स्पोर्ट्स वाले स्पॉइलर भाई क्या चार्ज लग गया था इसका? तो भाई 11,000 रुपए के आसपास भाई स्पोर्ट्स वाले जो स्पॉइलर आप देख रहे हो इसका चाल लगे थे। बाकी भाई देख सकते हो यार इसकी वजह से भाई कुछ अट्रैक्टिव लग रही है गाड़ी देखने में, कुछ नया सा लुक लग रहा है। बाकी भाई वही है, सब लोग कॉमन कॉमन सा रखते हैं तो थोड़ा भाई ना अट्रैक्टिव सा बनाया। बाकी भाई जो बात है बढ़िया लग रहा है देखने में। चलो एक बार ना गाड़ी के अंदर चलते हैं भाई, मेरे को ना गाड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में तो एक बार ना। अरे भाई ये तो यार काफी नीचे है, मतलब ये मेरे यहीं पर अड़ रहे हैं भाई। तो भाई एक बार अपना सनरूफ भाई खोल दिया, अपना अंदर भी लाइट आ गई। तो भाई अपना मतलब 2012 में इंजन स्टार्ट ऑफ का ऑप्शन आता था भाई, तो भाई इसका मतलब क्रूज तो यार काफी बढ़िया है। अंदर से तो पूरी स्पोर्ट्स गाड़ी की लुक दे रही है भाई। जैसा कि भाई पहली बार अपना तुम्हारा भाई क्रूज चलाने वाला है, तो एक बार भाई ऑन करो गाड़ी को, क्लिच दबा दिया भाई चलो। तो भाई अपनी यहाँ पे गाड़ी ऑन हो गई है। बाकी अपना भाई 5 गियर है गाड़ी के अंदर भाई, पकड़ो एक बार गाड़ी चला के देखते पहले जब करते अंदर बात करो। तो भाई फिलहाल गाड़ी का भाई कितने सीसी का इंजन है इसका? 2000 सीसी का भैया। अरे भाई साहब पिकअप तो भाई तगड़ा है यार क्रूज के अंदर, मतलब बढ़िया। तो भाई जैसा देख सकते हो भाई आज फर्स्ट टाइम भाई ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स में, तो भाई इंजन में रिमैपिंग वगैरह कुछ करा रखी ना भाई? अच्छा तो भाई रिमैपिंग वगैरह कुछ भी नहीं है बिना उसके भी भाई देख रहे हो यार क्या पिकअप ले रही है गाड़ी भाई। ब्रेकिंग भी बढ़िया यार क्रूज की। तो भाई जो बात है गाड़ी में मजा आ रहा है, लेकिन थोड़ा ना अंदर जो इस टाइप की गाड़ी होती है स्पोर्ट्स लुक जो देती है इनमें ना थोड़ा ये लगता है अंदर बैठ के पीछे बिछा था है। तो मतलब थोड़ा वैसे बैठने में इतना कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी के अंदर, लेकिन भाई मजा बहुत आ रहा है भाई अपना। इधर अपने सारे माउंट आ जाते हैं, बाकी भाई एक बार इधर से मोड़ लें वापस अपनी इधर लोकेशन पे चलते हैं। तो भाई नीचे से अड़बड़ जाती है, नहीं अड़ती है भाई? भाई ब्रेक करने पे तो अड़ती है भाई, तो क्लिच छोड़ते एकदम रॉकेट सा निकल रही है। तो भाई मतलब मजा है गाड़ी के अंदर, इसलिए भाई क्रूज रखी हुई है डीजल के अंदर। तो भाई डीजल के अंदर जो भाई ने क्रूज रखी हुई है भाई को मजा आता है। बाकी देख सकते हो भाई बाहर अपनी बारिश पड़ रही है। अभी चलते हैं बात करते हैं भाई स्टूडियो में क्या क्या काम है सारा चल सीट देखते हैं। मैं एक बार भगा लेता हूँ। अरे भाई भाई रेस करवा देते हैं इसकी, वरना करवा दो भाई। तो भाई लोगों आपको नेक्स्ट वीडियो हम भाई इस गाड़ी की रेस दिखाने वाले हैं, वरना से रेस होगी भाई। कमेंट करना जरा भाई क्रूज की, डीजल क्रूज और वरना डीजल के अंदर भाई अगर आपको रेस चाहिए तो भाई कमेंट करना। तो अब बात करते हैं गाड़ी के बाद पार्क लगा दूं मैं, उसके बाद बात करते हैं भाई गाड़ी के अंदर। एक चीज रहेगी भाई पूरी गाड़ी में मॉडिफिकेशन में खर्चा क्या बन गया भाई? भाई 2 से 2.5 लाख रुपए। मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए में भाई पूरी गाड़ी आप देख सकते हो भाई, 2 से 2.5 लाख रुपए में भाई ने जो पूरी गाड़ी मॉडिफाई कराई। बाकी सेकंड हैंड खरीदी कितने की थी भाई? सेकंड हैंड खरीदी में 2.5। तो भाई 2.5 लाख के आसपास की, मतलब 2.5 लाख ही लगा दी, 2.5 लाख की लगे 5 लाख रुपए लग गए भाई टोटल गाड़ी में। भाई देख सकते हो ये थी अपनी कुछ क्रूज की वीडियो। भाई गाड़ी चला के देख ली भाई, बाहर की वीडियो बता दी, अंदर का बता दिया सब कुछ, इंटीरियर भाई इंटीरियर जैसा देखो ना भाई लुक आ रहा भाई। मैं अब समझ रहा हूँ भाई को मतलब क्रूज ही क्यों पसंद है, लेकिन भाई डिसकंटिन्यू होनी चाहिए थी ना। तो भाई मतलब डीजल के अंदर भाई बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। बाकी भाई सारे आपको ऑप्शन वगैरह देखने, तो भाई कोई रिव्यू वीडियो देख लेना अपना रहता है मॉडिफिकेशन का। भाई यहाँ पे अपना स्क्रीन जो है यहाँ पे इसकी आपकी आफ्टर मार्केट वगैरह स्टॉक ही लगी हुई है, कोई चेंजमेंट नहीं है। बाकी इसमें टच लग जाती है? हाँ भाई। अच्छा तो भाई टच वगैरह लग जाते हैं, तो अभी कोई प्लान है टच लगवाने का? खराब हो जाती है एक बार लगवाई। हाँ भाई, और वैसे भी यार देखो तो यार ऐसे अगर स्टोरी बनाओ तो भाई कितना प्यारा गाड़ी का लुक आएगा। तो भाई अभी जैसा देख रहे हो भाई अभी जो गाड़ी एवरेज दे रही है भाई आपका 10.8 का एवरेज दे रही है। तो भाई एवरेज दिखा रही है वो 7 से 8 का एवरेज दे रहे। तो भाई डीजल रॉकेट अपना भाई जो ले घूम रहे 7 से 8 का ही भाई अभी इस टाइम
गाड़ी जो अपना एवरेज दे रही है। बाकी भाई देख सकते हो, भाई ये बताओ पहले कितने सारे कितने स्पीकर लगवा रखे गाड़ी के अंदर टोटल? तो भाई 8 स्पीकर है JBL के, और JBL की बेस ट्यूब है ना, पीछे भी हम देख रहे थे भाई, थोड़ा बारिश पड़ रही है ना, पीछे भी दिखाता मैं आपको। तो भाई ज्यादा देरी नहीं करते, एक बार गाना सुना दो भाई, चलाओ गाना। तो भाई जैसा आपने सुना भाई, ये पूरी गाड़ी के हमने मॉडिफिकेशन दिखा दी, आवाज सुना दी भाई, आवाज भी यार काफी सही करवा रखी है। बाकी भाई आर्मरेस्ट वगैरह ये तो भाई कंपनी फिटेड ही है ना, तो भाई आर्मरेस्ट में भाई आपको चार्जर भी मिल जाता है। यही है भाई इस गाड़ी के लग्जरी के मजे भाई, मतलब बैठ के एक नंबर तो मजा है गाड़ी के अंदर। और भाई चारों तरफ से भाई गाड़ी जेड ब्लैक करवा रखी है। बाकी भाई दिखाऊंगा एक बार जेड ब्लैक, तो भाई देख सकते हो बाहर ऐसा कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, और अंदर भाई अंदर का मौसम अलग बना रखा, बाहर का मौसम कुछ अलग बन रहा है। तो भाई एंड में भाई यही बोलूंगा, वीडियो को लाइक कर देना भाई, कोई भी क्वेरी तो कमेंट करके पूछ लेना, भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो भाई, बता दोगे ना तो भाई भाई भी रिप्लाई देंगे, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो भाई सारी चीज बोल चुका हूँ, तो मिलते हैं, बाय बाय। तो थैंक यू सो मच भाई, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।